सो हे गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। फिर गाइस, आज की इस वाले वीडियो में हम बैक 9X लोकोमोटिव का बोडी शेल बनाने वाले हैं। जैसे कि आपको थंबनेल में दिख रहा है गाइस, कुछ इस तरह से दिख रहा है। और गाइस, बहुत ज्यादा इजी वे में से मैंने बनाना सिखाया। और गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल भाई लोग गाइस, ये पीवीसी से बनाया गया है, मतलब फुल ऑफ फुल मजबूत है ये गाइस, टूटने वाला ऐसा आसानी से नहीं है। और बहुत मुश्किल से गाइस टाइम लगता है बनाने में, बहुत ज्यादा मेहनत है। और गाइस, इसके ऊपर मैंने स्प्रे पेंट किया, आप इसके ऊपर नॉर्मल पेंट भी कर सकते हो, पर स्प्रे पेंट करो तो ज्यादा प्रोफेशनल लगता है, तो मैंने भी यहाँ पे स्प्रे पेंट कराया। और गाइस, आप बोले भी यहाँ पे एक येलो स्ट्रिप लगी है, वो जो लगाई गाइस, उसमें थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम लग रही थी। मैंने किया था इसके ऊपर येलो पेंट, बट गाइस थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, जिसके कारण मैंने इसे दोबारा से फुल ग्रीन कर दिया। जब तक के लिए गाइस मैंने सोचा कि इसके ऊपर येलो स्ट्रिप का जो है स्टिकरिंग का काम करेंगे, मतलब स्टिकर पेपर लगाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो फिर अभी के लिए हम बॉडी शेल बनाना सीख लेते हैं इस वीडियो पे। और गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज चिल्ड्रंस डे भी है और जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे भी है, तो गाइस हैप्पी जवाहरलाल नेहरू जयंती और हैप्पी चिल्ड्रंस डे आप सभी को। तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद, तो मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो गाइस, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कुछ प्रिंट आउट पीस ले लिए, ठीक है, जो कि आपको निकलवा लेना है किसी भी मोबाइल शॉप वगैरह से। और इसको मैं गाइस कटिंग कर लेता हूँ, ठीक है, दो दो पीस लेंगे दोनों के, ठीक है। तो दोनों को अब मैं क्या करूँगा, 1 mm मोटे थिकनेस वाले पीवीसी पाइप के ऊपर लगा दूँगा, मतलब पीवीसी पाइप नहीं, पीवीसी शीट के ऊपर। तो अच्छे से मैं इसे चिपका लेता हूँ, चिपकू के मदद से चिपकाऊँगा, ठीक है। तो आपको भी कुछ इस हिसाब से अच्छे से चिपकाना है, ठीक है, चिपकू के मदद से चिपका लूँ, आप किसी भी फेविकोल वगैरह से चिपका सकते हो, अच्छे से चिपका लेगा। और उसके ऊपर मैं एलसीडी भी लगाऊंगा, जिससे कि अच्छे से ये मजबूत हो जाएगा। वैसे 1 mm का पीवीसी शीट है जो कि मैंने घर पर पूरी बनाया है, तो इसी के ऊपर मैं अच्छे से चिपका ले सकते हो, अच्छे से मैं पहले चिपका लेता हूँ। और सबको चिपकाने का चाहिए, मैंने उसके ऊपर एलसीडी डाल दी, जिससे कि एकदम अच्छे से चिपका रहे, बाद में उतना कभी कभी निकल जाता है जूते, तो मैंने एलसीडी डाल दिया। कभी से मैं ज्वेलरी शॉप की मदद से काट भी देता हूँ। ये सब पीसेस कट आउट हो चुके हैं, इसके अलावा भी मैंने दो पीसेस और काटे हैं, ठीक है, और वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। मैंने दो पीस मुझे ऐसा काटे हैं, ठीक है, ये वाला तो है ही है, ये भी हमारे पेपर पे था, ये भी हमारा पेपर पे था, इसे भी मैंने काट दिया, ये भी पेपर पे था। अब बाकी वो गाइस जो आप देख रहे होंगे वो पेपर पे नहीं थे, वो मैंने एक्सटर्नल में काटे थे। ये गाइस बीच का है, ये गाइस इसका जो लंबाई और चौड़ाई है 3.3 सेंटीमीटर, इसके में 3.5 सेंटीमीटर। इसका दर्ज 3 mm का, मतलब कि स्ट्रिप टाइप का था, 3 mm का स्ट्रिप काट दिया पीवीसी पाइप। और गाइस सारे के सारे पीवीसी पाइप का थिकनेस 1 mm ही है। और गाइस ये वाला कुछ पोर्शन एक हिसाब से यहाँ पे लगने वाला है। और फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, ये जो हमारा जो कैब है, मैंने कुछ भी कह सकते साइड फ्रेम बनाया, परमानेंटली लोकोमोटिव के ऊपर स्टिक नहीं होगा, उसे हमें ओपनेबल भी रखना है। तो उससे पहले गाइस यहाँ पे मैं एक मार्किंग लगा दी है, ठीक है, और इसे थोड़ा सा ऊपर करके लगाऊंगा, ठीक है। कुछ इस हिसाब से स्क्रीन पर देख रहे होगे आप, जो हमने बोल दिखाया था ना आपको गाइस, कुछ इस हिसाब से ये यहाँ पे लगेगा, ये मैंने यहाँ पे कुछ इस हिसाब से लगा दिया है। और दूसरे पे भी कुछ इस हिसाब से आपको यहाँ पे लगा लेना है, कुछ इस हिसाब से, ठीक है। तो आपको भी इस हिसाब से लगा लेना है, मैं भी पहले लगा लेता हूँ। उससे पहले गाइस यहाँ पे मैंने एक 3 mm का ले लिया पीवीसी का शीट, उसे भी कुछ इस हिसाब से यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ, तो यही से मैं लगा लेता हूँ इसका भी। और अब गाइस ये जो है इसे कुछ इस हिसाब से यहाँ पे लगा लेना आपको, जिससे कि इक्वल तरीके से ये रहे, इक्वल ही रहेगा, ऐसे लगाओगे तो मैं अच्छे से इसे भी लगा लेता हूँ। पहले मैंने कुछ इस हिसाब से इक्वल तरीके से लग गया है, तो आपको भी लगा लेना इस हिसाब से। और जो भी एक्स्ट्रा पीस है जो 3 mm को स्किप का था, उसे कुछ इस हिसाब से मैंने कट भी कर लिया। तो अब मैं क्या करूँगा, इसे क्या इसे बोगे में डाल देता हूँ, बोगे में जो हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था बैक 9X के, फिर हमने कुछ साइड फ्रेम मतलब कि नीचे का पोर्शन बनाया था, तो कुछ इस हिसाब से इसे मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, जैसे कुछ इस हिसाब से ये आराम से लग जाएगा इसके अंदर। आपको भी कुछ इस हिसाब से लगा लेना है। और उस
उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे इसका दूसरे तरफ का आपको कैबिन का जो जो मैंने इस तरफ से डिजाइनिंग किया है उस तरफ से करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं यहाँ पे इस तरफ यहाँ पे ले आता हूँ और अब मैं गाइस यहाँ पे इसका जो भी था सब कुछ मैं लगा दूंगा जिससे कि गाइस ये ओपनेबल रहे और अच्छे से चिपक भी जाए। मैं जो चिपकना मिलती है इसके ऊपर मैं डिजाइनिंग कर लिया के लिए कुछ इस हिसाब से किया है और इसे मैं कुछ इस हिसाब से यहाँ पे लगा दूंगा। और गाइज इसके नीचे का भी मैं पार्ट कुछ इस हिसाब से यहाँ पे लगा चुका हूँ, ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होगे। और इसे अच्छे से आपको सैंड पेपर से घस लेना है जिससे कि इसका फुल डिज़ाइन आ जाएगा और एकदम बढ़िया लगेगा देखने में कुछ इस हिसाब से जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होगे। तो ये गाइज हमारा कैबिन का यहाँ पे काम हो गया है। तो अब गाइज मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक नेट लेने वाला हूँ, ठीक है, प्लास्टिक का ही कह सकते हो जिसका भी वो पेपर का हो, और मैं चारों विंडो के ऊपर इसके लगा दूंगा अच्छे से। और जहाँ जहाँ पे भी गाइस मैंने आपको प्लस की मार्किंग दिखाई है वहाँ पे मैं कॉपर का वायर लगाऊंगा जो कि गाइस 21 गेज या 20 गेज के करीब उतना मोटा है। तो मैं इसे प्लस पॉइंट की तरह लगा देता हूँ चारों के चारों, जो भी वेंटिलेटर कह सकते हो जो बाहर हवा निकालती है वही, ठीक है, कुछ इस हिसाब से ये यहाँ पे आपको लगा लेना है। तो कुछ इस हिसाब से हो गया है तो आपको भी इस हिसाब से कर लेना है। अब गाइज इसके अंदर जो विंडो है विंडो के ऊपर मैं सिल्वर कलर का पेंट करने वाला हूँ तो आपको भी सिल्वर पेंट कर लेना है। और नीचे वाला जो है उसके ऊपर मैं ग्रे कलर का पेंट करूँगा, मतलब जो नीचे है ना एक ग्रे कलर का स्ट्रिप होता है वो पेंट करूँगा मैं, अच्छे से पेंट कर देता हूँ। और मास्किंग के लिए गाइज यहाँ पर मैंने पेपर टेप यूज़ किया है, इसके बाद गाइज पूरे बॉडी के ऊपर ग्रीन कलर का पेंट करूँगा। तो गाइज ये हमारा फुल का पूरा बॉडी रेडी हो चुका है जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और गाइज एकदम देखने में रियल भी लग रहा है। तो अब गाइज इस बॉडी को हम क्या करेंगे उसके ऊपर असेंबल भी कर देंगे। और गाइज जैसे कि आपको बताया कि येलो स्ट्रिप जो है हम इसके ऊपर स्टिकरिंग के ऊपर करेंगे बेस्ड, ठीक है, क्योंकि मैंने किया था इसके ऊपर पेंट अच्छे से नहीं हुआ इसलिए मैंने येलो स्ट्रिप इसलिए इसके ऊपर नहीं असेंबल किया। तो अब गाइज इसको मैं इसके बॉडी के ऊपर लगा देता हूँ जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, मैं पिछले नहीं इसके पार्ट टू वाले वीडियो पे। और गाइस ये जो है पार्ट फोर वीडियो है, ठीक है, बीच में हमने एक इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सीखा था और पार्ट टू में हमने इसका नीचे का फ्रेम बनाना सीखा था। तो वही नीचे वाला फ्रेम के ऊपर मैं कुछ इस हिसाब से इसे मैं यहाँ पे रखूँगा और इसे मैं अच्छे से लगा भी दूंगा, मतलब जैसे कि आपको बताया था कि ये ओपनेबल होने वाला है तो ओपनेबल ही है, ठीक है, देखने में भी अच्छा लगता है और अगर कुछ भी ख़राब होगा तो ये हम इसे खोल भी सकते हैं। कुछ इस हिसाब से ये यहाँ पे लग जाता है और ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। और गाइस आप इसके ऊपर अब हम बोगी वगैरह लगा देंगे बाद में, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है बोगी अभी, मतलब आपकी मर्ज़ी क्या है, ऐसी डिज़ाइनिंग के लिए बोगी लगा सकते हो अभी आप। तो ये कुछ इस हिसाब से हमारा बॉडी वर्क कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट में जरूर बता देना। और इस वाले वीडियो में मैंने इतना ही बनाना सिखाया है तो अगले वाले वीडियो में हम गाइस कोशिश करेंगे कि इसका रूफ सेक्शन कंप्लीट करें या फिर बैक 12B लोकोमोटिव का पार्ट सेकंड लेके आए, दोनों में से कोई एक आएगा इसका रूफ आएगा नहीं तो बैक 12B लोकोमोटिव के बोगी का पार्ट सेकंड आने वाला है। तो फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।